मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। अपना वीडियो सब बच्चे स्टार्ट कर लीजिए। सब अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। क्या बना रही नीचे रखो। अदिति के नाम से एक और बच्चा है, अदिति मौर्य। स्टार्ट करिए वीडियो। सब बच्चे पहले अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। अटेंडेंस लगेगी ना। मैम क्या लिखना है बेटा? वीडियो स्टार्ट करिए पहले सारे बच्चे। सब आराध्या का स्टार्ट है। वंश है अदिति मौर्य के नाम से किसका है? अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए। वीडियो ऑन करिए। स्टार्ट भी कर दिया है मैम। लिखना क्या है अभी बताते हैं बेटा। हिंदी की कॉपी निकालिए। हिंदी की कॉपी ये ऐसी नहीं वाली कॉपी पता चलेगा किसने चाली करी। मैम इतने काम करी तो हिंदी की कॉपी देंगे। नहीं नहीं निकालती। ये अभी दिखाई दे रही है। सब बच्चे हिंदी की कॉपी निकालिए। मैम निकाल ली। ठीक ये बुक हिंदी की सारी बुक्स, एक्टिविटी की बुक और जो रेगुलर पढ़ते हैं सारी बुक्स निकाल लीजिए और हिंदी की कॉपी। सारे बुक निकालो। सब बुक निकालो। बुक में ये बुक है ना स्वर्ग नंबर 10 ओपन करिए। अरे भैया चिल्ला ना। दे रहा है मैम। ये आली क्या बेटा? ये आली मैम। तो आपका वीडियो ओपन नहीं। तुम सेम देने मुझे भी वही दिखाई दे रहा है। आप अपना वीडियो ओपन कीजिए ना तब तो हम आपको देखें। मैम मैंने तो अपना वीडियो आ रहा है यार। बेटा आपका नहीं ओपन है। मैम हमारा वीडियो तो ऑन है। अब ऑन हुआ है आपका। मैं भी बुक बोल रही हूँ। आप बुक उल्टी दिखा रहे हैं। हाँ यही वाली दिस वन। इसी को ओपन कीजिए। सही नहीं है। हाँ ठीक है यही वाली पेज नंबर 10 देखिए। ये वाला पेज नंबर 7 10 10 ओपन करिए। 1010 मैम। 1010 मैं नंबर 5 बोल रही है। गुड मॉर्निंग कर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
हिंदी किताब नहीं है, ले आएंगे ना पापा बोल देंगे तो ले आएंगे। एक इसको ये देख, सारे बच्चे जो अभी जुड़े हैं वो देख लीजिए, ये वाली बुक है ठीक है, स्वर ज्ञान। हम लोग गुड मॉर्निंग कनिष्ठा, सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, पेंसिल इरेजर शार्पनर सब लेके बैठिए। पहले आज हम लोग बुक में रीड करेंगे, उसके बाद राइट करने का काम करेंगे ठीक है। चलिए, जो लिखा हुआ है ई की मात्रा, आप लोग इतने पढ़ लेते हैं ना, ये कौन सी ई है, छोटी ई की बड़ी ई, अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 10 स्वर ज्ञान। बेटा बोलो, ये मेरा नहीं है। कौन बोल रहा है, मैं तो सिर्फ आवाज आ रही है, दिखाई तो दे नहीं रहा है। बताओ क्या आरू? तो ठीक है जब बेटा बुक आएगी तब करिएगा। और बड़ी की मैम के पास बुक है, बड़ी की ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के शब्द है ठीक है, ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा ठीक है। चलिए, ई की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है ना, व्यंजन क्या होता है, गगा पढ़ते हैं ना हम लोग, स्वर होता है एक व्यंजन ठीक है। तो ये प देखिए मात्रा लगी है, छोटी की मात्रा कैसे होती है, छोटी की मात्रा कैसे होती है, छोटी की मात्रा एलकेजी में ना इधर की होती है, इधर की ऐसे बना के बता दो मैम को, यहाँ बनाइए बड़ा, ये मात्रा है। अब अगर हमको लिखना है तो यहाँ लिखेंगे पी, ऐसे लाइन लिखे ना मैम, हाँ आगे से लगाते हैं ना, यस मैम ठीक है। हम पहले इसको रीड करेंगे आज, उसके बाद भरने वाला काम करेंगे इसमें है ना। आगे देखिए, अभी रहते हैं पहले उधर देखिए मैम, बने अगर हम लोग मात्रा दूसरी तरफ से लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मात्रा इधर से लगा देंगे बड़ी की लगा देंगे तो नीब हो जाएगा, पीन हो जाएगा ना, बड़ी की मात्रा में हम लोग रुक रुक कर बोलते हैं ना, जोड़ देते हैं शब्द पर, और छोटी की मात्रा में जल्दी से बोलते हैं। रवि, यस मैम, ऋषि, हिरण, क्षत्रिय, साइकिल, किशमिश, ये लिखा है ना। अब इसके बाद है आपका सेकंड पेज नंबर 11, इसको सब आप लोग को रीड करना है, इसको रीड करिएगा। आप छोटी की मात्रा एलकेजी में पढ़ चुके हैं ना, तो आप लोग पढ़ लेंगे इसको आराम से ना, पढ़ लेंगे कि नहीं ये बताइए। बोलिए तो इसका वीडियो बना करके यहाँ से यहाँ तक पूरा फर्स्ट पैराग्राफ का वीडियो बना करके हमको सेंड कीजिएगा, देखते कौन कौन बच्चा अपने आप पढ़ लेता है, मम्मी की हेल्प नहीं लेनी है ठीक। इसको पढ़ इधर से इधर तक, पेन से किशमिश तक, पेन से किशमिश तक, ये फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, देखिए चलिए, तो ये वाला रीड करिएगा आप, मात्रा भी हमको रीड नहीं करेंगे क्योंकि एलकेजी में आप पढ़ चुके हैं, जो मात्रा नई शुरू होगी वो हम आपको पूरी पूरी पढ़ाएंगे ठीक है। इसको आप लोग अपने आप रीड करके हमको वीडियो बना के भेजिएगा, नहीं कर पाएंगे तब हम इसको कराएंगे आपको दोबारा। अब देखिए पेज नंबर 12 ओपन कीजिए, 1 2 12 ठीक है। क्या है सबसे पहले बताइए हमको, क्या बना है यहाँ पर, क्या बना पहले उधर देखिए, मैम की तरफ देखिए, ये क्या बना हुआ है, निब,
कौन लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? नहीं दिखा दे रहा तो हम पेन से लिखते हैं, अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है। छोटी की मात्रा यहाँ यहाँ नाम छोटी की मात्रा हाँ जो ब्लू कलर से दिख रहा है ना आपकी बुक में, देखिए ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना,
इसी के लिए आगे मात्रा लगानी है आपको छोटी की, ठीक है। रंगीन वर्ण लिखा है लेकिन पर रंगीन वर्णों पर छोटी की मात्रा लगा करके सही शब्द बनाइए। तो जो कलर वाला था ना ब्लू कलर का, इसी के आगे में छोटी छोटी लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले घटिया, फिर दीवान, फिर घटिया, घ डापे छोटी की मात्रा या घटिया, एक फिर लगाते जाइए बुक में। पूछिए क्या बोलते हैं, आवाज आ रही है ना? दीवान है क्या? तो यार दीवान सेकंड नंबर दीवान है, बता देती है इधर से। फर्स्ट नंबर पे दिन है, सेकंड नंबर पे दीवान है, थर्ड नंबर पे घटिया है, फोर्थ नंबर सेकंड टाइम पे फर्स्ट नंबर उस पे कविता है, कविता लिखिया था लड़की आपकी मात्रा सब पे छोटी की मात्रा, तब पे आपकी मात्रा और र सितार या छोटी की मात्रा छवि, अधिकार और अधिकार। यहाँ कुछ लिखा तो कुछ लिख रही है, छोटी रंग लिखी, ठीक है, एकदम छोटी। अब कोई घर क्या लिखा है, पूछ लीजिए। मात्रा लगाइए, अब घुसा तो हूँ मात्रा ये देखो लिखा करो अंधकार का अधिकार। हेलो मैम, नहीं देख रहे हो? हेलो हेलो मैम, सामने छुट्टी के मंत्र इसके गार्जियन को मैम सुन लीजिए थोड़ा। जी मैम आराध्या से पूछिए, बोल रहे हैं लिखने के लिए, ये लिख नहीं रही है। आराध्या आप क्यों नहीं लिख रही हो बुक में? जी मैं लिख रही हूँ। यहाँ से
देख करके यहाँ बिल्कुल बढ़िया, लेकिन पीछे ऑप्शन दिया है यहाँ पर। रवि का गाना कितना बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा गाना है रवि का, ठीक है। मैम यहाँ पे तो लिखा है मगर उसको ही लिखना है क्या? लेकिन बंदी की लास्ट वाला फर्स्ट में उतार अधिकार लिखा नंदी का अधिकार धाम छुट्टी की मत अधिकार पानी बड़ा क्या लिख लिया सब बच्चे लिखिए जल्दी जल्दी पास पास किल का जैसा आपने बोला यहाँ पे कितना बढ़िया ठीक है भलाई लिखा हुआ है लास्ट में वही है अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लिख सकते हैं जिसमें रवि सितार और गिटार तो रवि हो सकता है तो रवि भर दीजिए रवि भरो ये वाला ये ऊपर वाला रवि वाला मित्र रवि रवि निखिल मित्र रवि यहाँ लिखो निखिल का मित्र रवि इसको गिटार इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं सितार भी भर सकते हैं गिटार भी भर सकते हैं विमल गिटार बोलेंगे तुम पहले से नहीं खींचती सारे सारे बच्चे अपना काम अभी हमको शो करेंगे सारे बच्चे अपना वर्क दिखाएंगे हमको वन बाय वन पे जूम करेंगे और देखेंगे भैया इसको लगा ले गिटार लेके क्या आधा का देखिए घ नंबर है ना तो हम लोग इसमें भरेंगे सही शब्द छाट कर रिक्त वो कमल तो तिल गया कि खिल गया क्या होता है बताइए कमल खिलता है कि खिलता है अरे कमल खिल गया हो जाएगा बेटा ये देखिए कमल खिल गया ये देखिए खिल है ना ये खिल खिल कमल खिल कमल छोटी सी लाइन थी कमल कमल बुक में भरना क्योंकि ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको वीडियो देख लीजिएगा ना यूट्यूब पर उसको भर लीजिएगा दिखाइए आपके बुक में लिखा हुआ है देखिए में ये जहाँ हमने टिक लगाया वहाँ देखिए ये लिखा है ना बुक में इसी को भरना है कमल ठीक है अब लिखना है नितिन विपिन आप गए नितिन विपिन किधर गए किधर गए कि किधर गए किधर तो नहीं सकता हम लोग करेंगे काम करना पड़ेगा किधर किधर
वाले में, सेकंड में किधर भरेंगे, ठीक है? किधर नहीं होता, किधर होता है? बोलो मैम क्या होगा, किधर होगा कि किधर? मैम ये किधर, किधर ये किधर, ये देखिए अब जहाँ मैम ने लगा दिया राइट का निशान, बस उसी को बोलता है। अब उसके बाद किसी का मन खिला के मिला, किसी का मन मिलता है कि खिलता है, बताइए? मिला मिला, वेरी गुड, मिला लिखो यहाँ, खिला लास्ट में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर उसी को उतार दीजिए, बस सब बच्चे कर ले जल्दी कर रहा हूँ, यहाँ लिखो मिला, मिला लिखो, खिला खिला, ठीक है, कंप्लीट। अब हम लोग कॉपी पर किसका करेंगे, मगर आज नहीं, अब आप लोग पहले मिला है कि खिला है, खिला है, खिला खिला है, मैम ये सब करना है क्या, ये जो नैना जी के बेटे को ओपन कीजिए, पूछो तंगी फॉर यूकेजी हिंदी, अरे ये खा नहीं लिख पा रही हूँ, काटो उसको, पापा डांटे कि खिला लिखे, खिला लिखी बेटा, खिला खिलता है ना, से खिल जाता है ना, लाइन तो खींचिए, लाइन तो खींचिए, अभी वाली बात कीजिए, कुछ अभी हुआ ही नंबर, हाँ बना सकते, ये नंबर वन कितना खोलना है, सब कर लिए, हम पूछ लेंगे ना, नाम लिखिएगा सारे बच्चे, पेज नंबर कितना खोलना है, वन ओनली वन खोलिए बेटा, वन पांच का चलिए नाम लिखिएगा, डेट डालिएगा, अक्षरों को सही क्रम में जोड़कर चित्र को पूरा कीजिए, उसे रख दीजिए, बड़ा बड़ा सब आप लोग पता है ना, बस इसको कुछ नहीं करना है, इसको जोड़ते जाना है ऐसे, बच्चे बता रहे हैं, बड़ा बड़ा बड़ी बड़ी, ठीक है, ये सब आप जोड़ देंगे तो मैंगो बन जाएगा ना, आम बन जाएगा, उसको कलर कीजिएगा येलो कलर से, छोटी
ठीक है अक्षर को चित्र से मिलाइए करना है बच्चा को जग से मिलाना है ये आप अपने आप कर सकते हैं येलो कलर दो येलो कलर दो पेज नंबर 3 देखिए ग्रीन कलर को चित्र को शब्द से ये अक्षर से मिलाना है उसे उल्टा से जग ल से कांटे कलर नाम कभी नहीं हुआ म से बैंड से चश्मा माँ से मटर से कमल और से नाव जिसको कुछ नहीं करना है बस आपको चित्र से मिलाना है तीनों पेज का काम करके कंप्लीट करिए इस पे डेटा लिए आपका होमवर्क है ये तीन पेज कौन सा है मैम कितना नंबर खोलना है ये वाली बुक ओपन करना है इसमें 1 2 3 नंबर पे डेट डालनी है और एलडब्ल्यू लिखना है बस वही सारा पुराना वर्क है कोई नया नहीं है इसमें से ठीक है इसको व्यंजन लिखते हैं आपको और इसको जी मैं उत्तर ज्ञान का है जी मैम पेज नंबर 1 2 3 लाइन से देखिए बहुत सरल है आराम से जिस पर अच्छे कर लेंगे आप ये निकाल दो है और यहाँ ठीक है और बुक में जो हमने पढ़ने के लिए दिया है उसको पढ़ करके उसका वीडियो बना करके सेंड करना है कितने आपने लिखा है अंशिका सिंह ओपन करके दिखाइए ठीक है अंशिका सिंह ओपन कीजिए देखिए जो आज वर्क कराया काम किया आपने आराध्या आप ये नहीं बेटा इसको नहीं पेज खोलिए जिसको काम किया है पेज ओपन कीजिए ये बता इस पे ये वाला पेज खोलिए देखिए आज आपने काम कर लिया है कि नहीं सार्थक बच्चे दिखाइए अपना वर्क देखो तुम दिखाओ राध्या को लो अन्या अन्या आप वेरी गुड तनिष्का परी अंशिका इसको ओपन कीजिए इसको अन्या आप दिखाइए नहीं मैम नहीं है पेज नंबर 12 ओपन कीजिए अंशिका जो आज काम कराया बस उसका ओपन